दिस इज रजनी अग्रवाल. नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम क्लास 8 विच इज क्यूब एंड क्यूब रूट्स. सो चैप्टर में हम क्यूब एंड क्यूब रूट्स डिस्कस करेंगे. एज यू नो दिस इज एन इंडायरेक्शन वीडियो जिसके अंदर हम सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे. सो लेट अस बिगिन. नेम ऑफ द चैप्टर इज क्यूब एंड क्यूब रूट्स. तो क्यूब, जब हम क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब वर्ड के का मीनिंग क्या होता है? ये फिगर जो एक क्यूब है, अगर हम जियोमेट्री में बात करते हैं तो क्यूब इज दिस टाइप एंड दिस टाइप. क्यूब वो फिगर जिसकी सारी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सेम होती है. एंड बट नाउ इस चैप्टर में हम ये वाले क्यूब की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्क्वायर्स की बात करें तो क्या होता है स्क्वायर? स्क्वायर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल फोर टाइम्स स्क्वायर, फोर टाइम्स फोर. स्क्वायर क्या होता है? एक ही नंबर को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना. टू से मल्टीप्लाई करना नहीं, टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना. फॉर एग्जाम्पल सिक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू सिक्स टाइम्स सिक्स. सो फोर स्क्वायर क्या आएगा? 16 एंड 6 टाइम्स 6 इज 36. तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 एंड 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16. बट यहाँ पर क्यूब का मतलब क्या हुआ फिर? क्यूब का मतलब होता है किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना. 3 से मल्टीप्लाई करना नहीं, 3 टाइम्स, मतलब 4 क्यूब है तो 4 को 1 टाइम 4 एंड 4, 3 टाइम्स आप 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि आपको आंसर देगा 64. बट वी हैव डिस्कस नाउ स्क्वायर. स्क्वायर इज अ नंबर मल्टीप्लाइड ट्वाइस एंड क्यूब्स मीनिंग इज अ नंबर मल्टीप्लाइज थ्राइस, मतलब 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अगर हम डिस्कस करें इसको फर्दर तो क्यूब्स फाइंड आउट करेंगे. 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, ओके. 3 क्यूब कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, 27. 4 क्यूब दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स, हमने अभी फाइंड आउट किया था, 64. एंड 5 क्यूब क्या होता है? 1 टू 5, डायरेक्ट लिख पा रही हूं मैं अब, आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर. 6 क्यूब इज 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6 व्हिच विल गिव यू 216. नाउ 7 क्यूब, 7 क्यूब 343 होता है. 8 क्यूब, 8 क्यूब क्या होता है? 512. 9 क्यूब इज 729. यू कैन लर्न दीज वैल्यूज. 10 क्यूब क्या होता है? 1000. गाइस अब क्वेश्चन आता है, कोई भी नंबर जिसका की एंडिंग यूनिट 1 है तो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा? फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू फाइंड, जस्ट वेट लेट मी क्लियर द बोर्ड. नाउ लेट अस डिस्कस, इफ यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर क्यूब रूट यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब, 21 क्यूब का यूनिट प्लेस क्या होगा? तो 1 का एंड हो रहा है तो 1 का जब हम क्यूब फाइंड आउट करेंगे 1, तो यूनिट प्लेस पे यहाँ पर 1 ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 38 क्यूब फाइंड आउट करना है तो इसका यूनिट प्लेस कैसे फाइंड आउट करेंगे? यूनिट प्लेस होगा 8 क्यूब. यूनिट प्लेस इन 8 क्यूब इज 2. सो 38 का जब हम क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस में क्या होगा? 2 होगा. सेम वे अगर आपको 47 क्यूब फाइंड आउट करना है तो आपका यूनिट प्लेस क्या होगा? 7 क्यूब है, 7 क्यूब के एंड में क्या यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है? 3. तो 7 का फ्रेंड 3 आएगा यूनिट प्लेस में. ओके आई थिंक नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. नाउ वी विल फाइंड विच आर द परफेक्ट क्यूब नंबर्स. लेट अस मूव फर्दर. नाउ वी विल टॉक अबाउट द परफेक्ट क्यूब. परफेक्ट क्यूब नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर पर जिनको की मल्टीप्लाई करके एक नंबर आता है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू चेक 216 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर और नॉट. हम क्या करेंगे? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. जस्ट राइट डाउन 216. प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 को डिवाइड करेंगे 2 1 जा 08, 2
फाइव जा टेन एंड टू फोर जा एट, टू टू जा फोर, टू सेवन जा फोर्टीन। अब हमें थ्री से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा जो है 216 के पेयर बन रहे हैं, कैन बी रिटन एज टू टाइम्स टू टाइम्स टू एंड थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स थ्री। तो हमारा जब तीन तीन के सेट बन जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा हुआ, जिसके कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, वो थ्री थ्री का सेट मेकअप करेंगे। अगर अगर वो थ्री थ्री सेट नहीं बनाते हैं या कोई भी नंबर टू टाइम्स रह जाता है तो दैट नंबर विल नॉट बी अ परफेक्ट क्यूब। राइट, नाउ लेट अस चेक इफ 100 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर और नॉट। अब चेक करेंगे 100 क्या परफेक्ट क्यूब नंबर है, लेट अस चेक। 216 तो परफेक्ट क्यूब नंबर है, 100 को परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 को डिवाइड किया, 2 5 0, 2 से फिर डिवाइड हो सकता है ये। नाउ वी कैन डिवाइड इट बाय 5 5 1 जा 5। नाउ 100 कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5। हमें तो यहां पर तीन तीन के सेट बनाने थे, यहां पर तो जो नंबर है वो मिसिंग है, यहाँ पर कोई नंबर ही नहीं है, तो 5 भी हमारा यहाँ पर एक मिसिंग है, 3 का सेट तो हम बना नहीं पाएंगे। सो वी कैन से दैट 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर, 100 जो है वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अगर यहाँ पर एक और 2 आ भी जाता और 5 यहाँ पे कम ही रहता तो भी ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होता। तो ये परफेक्ट क्यूब का कॉन्सेप्ट ही ये है। लेट अस ट्राई वन मोर क्वेश्चन so that we can understand it very well, कोई confusion नहीं रहनी चाहिए। Let us check 7 to 9, 7 to 9 is a perfect cube number or not, कि ये perfect cube number है या नहीं है। तो कैसे करेंगे हम, 7 to 9 we will write, we will find its prime factors. सेवन टू नाइन विल बी डिवाइडेड बाय 3, 3 टू जा 6, 3 फोर जा 12 एंड 3 थ्री जा 9, राइट, वी आर डिवाइडिंग दैट बाय 3। नाउ वी कैन ऑल्सो डिवाइड 243 बाय 3, 3 एट जा 24 एंड 3 वन जा 3। नाउ 3 अगेन इट कैन बी डिवाइडेड, 3 टू जा 6, 3 सेवन जा 21। नाउ यहाँ पर फिर से 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 9 जा 27, then 3 again we can divide it by 3 also. Now 7 to 9 can be written as, 7 to 9 can be written as 3 times 3 times 3 and 3 times 3 times 3, 6 times 3 is 7 to 9. No, देखिए अब 3 3 के सेट बन रहे हैं, तीन बार थ्री आया, तीन बार थ्री आया, तो ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, जहां पर परफेक्ट क्यूब नंबर वही नंबर होगा जिसको हम थ्री थ्री के सेट में बना सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस चेक वन मोर एग्जांपल कि परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है। अब आराम से वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। फॉर एग्जाम्पल लेट अस चेक इट बाय 189, राइट, नाउ लेट अस चेक इट, इज इट अ परफेक्ट क्यूब नंबर और नॉट। 2 से डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज यूनिट प्लेस जो है वो ओड है, तो वी विल डिवाइड इट बाय 3, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 7 जा 21 एंड 7। ओके, नाउ 189 कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 7। नाउ लेट अस मेक पेयर्स सेट्स 3 और 3, 3
थ्री का एक सेट बन गया। अब देखिए यहाँ पर सेवन जो है वो अकेला बचा हुआ है, उसका कोई सेट नहीं बना, तो 189 जो है वो नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। नाउ अब क्वेश्चन आता है, लेट अस मूव फर्दर। अब आपको समझ आ गया कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर है और कौन सा परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट बाय विच नंबर वी शुड डिवाइड इट टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। अगर हम इसी एग्जांपल की बात करें 189 की, 189 को एक परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए फिर हमें कैसे करना चाहिए, 7 से डिवाइड कर देना चाहिए। किस नंबर से डिवाइड कर देना चाहिए, 7 से। देखिए यहाँ पर एक 7 जो है वो अकेला पड़ा है, तो अगर इफ वी डिवाइड 189 बाय 7 व्हाट वी विल गेट, 7 टू जा 14, 49 49, 7 7 जा 49 व्हिच इज इक्वल टू 27, and this is a perfect cube number. This is the cube of 3. Now, do you understand how we can make a imperfect cube number to perfect cube number by dividing it by some number? Okay, let us take one more example so that we can learn how, by which number we should divide it, any imperfect cube number, to make it a perfect cube number. Perfect cube number बनाने के लिए थ्री नाइन टू फॉर एग्जाम्पल योर क्वेश्चन इज 392. फर्स्ट वी विल चेक इज इट अ परफेक्ट क्यूब नंबर, एंड इफ इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर बाय विच नंबर वी शुड डिवाइड इट to make it a perfect cube number. Okay, we are now just what we will do, we will just find whether it is a perfect cube number or no. We can divide it by 2, right? Because 2 is the even number. 2 1 ja 2, 2 9 ja 18, and 2 6 ja 12. Again, we can divide it. 2 9 ja 18, 2 8 ja 16. Again, we can divide it. 2 4 ja 8, 2 9 ja 18. But now, we cannot divide it by 2. Not by 3. It is divisible by 7. Now 7. Okay. Now let 392 can be written as 2 times 2 times 2 times 7 times 7, right? Now we will make sets 3, set of 3. 2 जो है वो 3 टाइम्स आ गया है, तो हम इसको रखेंगे। एंड 7 देखिए 2 ही बार आया है, यहाँ पर एक बार और 7 चाहिए था हमें, तो टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, तो 392 जो है वो 3 3 के प्रॉपर सेट्स नहीं बना रहा है, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। अब क्वेश्चन आता है कि इफ इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर देन हाउ वी कैन मेक इट अ परफेक्ट क्यूब नंबर, किस नंबर से हमें डिवीजन कर देना चाहिए इसको, तो वी शुड डिवाइड दिस नंबर बाय, देखो जो यहाँ पर एक्स्ट्रा है जिनके पेयर नहीं बने उस नंबर से आप मल्टी डिवाइड कर दीजिए, 7 7 जब 49, 49 से अगर आप डिवाइड करेंगे 392 को 49 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। तो 7 से डिवाइड करते हैं पहले, 7 7 जब 49, and 7 5 ja 7 6 ja 7 1 ja 7 7 8. Now you will get 8, which is a perfect cube number and it's a cube of 2, right? Now you should divide 392 by 49 and you will get 2's cube means 8. Okay, now let us move further. Now we will make imperfect cube numbers into perfect cube numbers by
multiplying that number by some number. Okay, you will not understand what I am saying, but just be with me. If you like the video, don't forget to like, share and subscribe my channel. Now let us, we have one question, 1, 3, 2, 3, by which number we should multiply this number to get a perfect cube number? What is our question? By which number we should multiply this number to make it a perfect cube number? Ab ye given hai, this is not a perfect cube number. What we will do? 1, 3, 2, 3. We will find its prime factors. We cannot divide this by 2. Now, so we will divide it by 3. 3, 4, 12, 3, 4, 12, 3, 1. Again, we can divide it by 3. 3, 1, 3, 4, 12, 3, 7, 21. Again, we can divide it by 3. 3, 4, 12, 3, 9, 27. Now, 7 times 7, 49, 7, 1, 7. Now, 1, 3, 2, 3 can be written as 3 times 3 times 3 and 7 times 7. Now, let us just make the set of 3. 3, 3 ka set banaya. Ye toh humara proper set ban chuka hai. Lekin dekhe, yahan par ek aur number needed hai. Agar yahan par ek aur 7 hota, toh humara ye perfect cube number hota. Toh ab यहाँ पर चूंकि नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1, 3, 2, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर निकल कर आएगा. नाउ लेट अस चेक व्हाट वी विल गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस नंबर बाय 7. 7, 3 जा 21, 2 कैरी. 7, 2 जा 14 प्लस 2, 16, 1 कैरी. 7, 3 जा 21, 21 प्लस 122, 2 carry. 7, 1 जा 7 plus 2, 9. Now let us check whether it is a perfect cube number. Check करें, इतना समझ में आया by which number we should multiply 7? क्यों? क्यों? To make a proper set of 3. Now we will check whether 9, 2, 6, 1 is a perfect cube number. Let us check it. We can verify our answer also. 3, 3 ja 9, 3, 4 ja, 3, 8 ja 24 and 3, 7 ja. Again, we can divide 1, 0, 2, 9. Again, we can divide it. Yes, we can divide it. I am finding the digit sum and checking whether it is divided by 3 or not. 3, 3 ja 9. 1, 2, 12, 3, 4 ja 12, and 3, 3 ja 9. Now 7, 3, 4, 3. 7 plus 3, 10. 10 is not divided by 3. We will divide it by 7. 7, 4 ja 28, 6, 3, 7, 9 ja. देखिए यहाँ पर हमारे proper set बन पा रहे हैं. अभी से दिख रहा है मुझे. तो 9, 2, 6, 1 can be written as 3 times 3 times 3 times 7 times 7 times 7. Let us make pairs. Pairs बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3, 3 का एक pair बन गया और 3 का एक set 7 बन गया. देखिए 3 1 time लिखिए और 7. ये 21 का है. 21 cube, you will get 9, 2, 6, 1. You can check it by yourself. Okay. Now let us do one more question to make a number which is given that it is not a perfect cube number. Now our question is, find the smallest number by which 2, 5, 6, 0. 2, 5, 6, 0 should be multiplied so that the product is a perfect cube number. Now we have to multiply this number by some number to get it a perfect cube. Okay, to make it a perfect cube. But what we will do? जब भी आपको कुछ भी find out करना है, just make pairs.
जस्ट मेक पेयर्स, एंड पेयर्स कैसे बनाएंगे, वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, वी विल डू प्राइम फैक्टराइजेशन, 1 2 8 0 6 4 0 3 2 0 1 6 0, now 2 again 80, 2 again 40, 2 again 20, 2 again 10. Oh, that's great. 2 5. Now what is left is 5 5 1 5, right? Now let us write how many twos are there. यहां पर ही हम पेयर बना सकते हैं. देखिए, देखो एक ये पेयर बन रहा है, तीन तीन का सेट बना रही हूं मैं, टू के तीन सेट बन रहे हैं एंड फाइव जो है वो अकेला. तो हम क्या लिखेंगे, 2 5 6 0 कैन बी रिटन एज 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2. मैंने यहाँ पर सेट बना के ही लिख दिए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. 9 times 2 लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कई बार. टाइम्स 5. अब देखो यहाँ पर 5 के कोई भी पेयर नहीं मिल रहे. 2 का एक पेयर बन गया, 2 का एक पेयर बन गया एंड 2 का एक सेट बन गया. यहाँ पर 5 जो है वो अकेला रह गया. सो वी विल मल्टीप्लाई दिस 2 5 6 0 बाय, देखो यहाँ पर कितने 5 चाहिए हमें टू मेक इट अ सेट. देखो 25, 5 5 जा 25. तो 25 से हमें मल्टीप्लाई कर देना चाहिए. 2 5 6 0 शुड बी मल्टीप्लाई बाय 25 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब नंबर. परफेक्ट क्यूब नंबर फाइंड आउट करने बनाने के लिए हम इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर. Which is the perfect, which is the cube of 40. Okay. Now, let us move further. We have done how to check whether the number is a perfect cube number or not. Now, if it is not a perfect cube number, we can get it by dividing some number or by multiplying some number. अब बात आती है कि हाउ वी विल फाइंड व्हाट इज द क्यूब रूट. व्हाट इज क्यूब रूट एंड क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे. क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास वही ट्रिक रहती है, 3 3 के पेयर बनाते हैं, वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड रहता है. एस्टिमेशन मेथड भी आपकी बुक में है लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. आपको एस्टिमेशन आंसर ही देता है, हर बार वो आंसर सही हो वो सही नहीं है. आपके लिए वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही ज्यादा हेल्पफुल है. तो आप उसी को सीखिए. देखिए, नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 125 कि किसका क्यूब है ये. ओके, व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट सेम प्रोसेस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. राइट, हम क्या करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा एंड 5 5 जा. देखिए 125 कैन बी रिटन एज 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5. राइट, नाउ वी हैव टू मेक सेट ऑफ 3. 3 का एक सेट बनाया, 3 की जगह पे हम एक बार लिख लेंगे, दिस इज आवर क्यूब नंबर, क्यूब रूट. नाउ क्यूब रूट ऑफ This is the symbol of cube root. Cube root of 125 is 5. Right? Now, this is our question. Now, we will find the cube root of 8000. Next question is, 8000 ka cube root find out karna hai. Yahi hamara question hai. Hum kya karenge? We will write 8000, right? We will make a line this way and
make a line this way. Now we can divide this number by 2. Exactly 220, 210, 2500, 2250. Now 2125. Now 525 and 525, right? I'm just extending this line. Now to make sure how twos are there, I'll make the sets here. Dekhi, there is one set of two, second set of two, and third set of two. देखिए ये एक perfect cube number है, proper set 3-3 के बन रहे हैं. तो हम क्या लिखेंगे, cube root. अब तीन का एक set है तो you will write 2, 2, and ये 5 का है तो 5 लिख लीजिए. अब this 2 should be multiplied by this 2 should be multiplied by this 5. तो 2 times 2 times 5. You will get 2 2 4 5 20. तो 20 is the cube root of 8000. Okay. Now let us move further. We will solve some more questions to understand it very well. And if you like the video, don't forget to like, share and subscribe my channel. Guys, ऐसी videos आपके लिए बनाना थोड़ा complicated होता है मेरे लिए. So don't forget to like and subscribe. Subscribe किया कीजिए. Now we have to find the cube root of 2744. Right? This is our question. We will write 2744. Right? We will make a line. Same way. Now I will write. Is it divisible by 2? Yes. 1, 3, 7, 2. Again, it, we can divide 2, 6, 8 and 6. Again, it is divisible. 3, 4, 3. 7, 7, 4, 9. Abhi humne kiya tha, same number hi aa gaya hai. Dekhi, now we will make set of 3. अब तक तो आप सीख ही चुके होंगे, 3-3 के सेट बनाए हमने, right? 2, 2, 2. तीन के एक सेट के लिए हम एक बार 2 लिख देंगे, and 7 तीन बार आया है तो एक बार लिख देंगे. Now cube root of 2744 can be written as 2 times 7. ये जो हमारे 2 and 7 आए हैं ना, इन्हीं को लिखना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है. 7 2 14. Now 14 को अगर आप तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 2744. दिस इज योर आंसर, राइट? नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करना है, क्यूब परफेक्ट क्यूब नंबर बनाना कैसे है, वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताया है. ऐसी वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है. 3375, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है. 3375 कैन बी डिवाइडेड बाय 3. 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15. Now 3, 3 9, 2, 22, 3 7 5, 1, 2 and 5. Now it is divisible by 5 only. 25 is this. 5, 5 25, 5 1. Now just make set of 3. 3 का सेट बनाया, एक बार 3 लिख दिया, 5 बनाया. तो 3375 can be written as cube root of this is equal to 3 times 5, that is equal to 15. 15 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, what you will get is 3375. Okay, don't forget to like, share and subscribe my channel.
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट है, यू कैन डू कमेंट्स एंड यू कैन आस्क मी योर डाउट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.